तो आज हम जाने वाले हैं नेहरू प्लेस मार्केट, मेट्रो से जाएंगे और मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं हम लोग। ये बाटा का मेट्रो स्टेशन है। ये रोड जो हाईवे है, मथुरा रोड कहलाया जाता है, ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है इस तरफ। और यहाँ से मेट्रो पकड़ के आप दिल्ली जा सकते हो। दूसरी तरफ अपोजिट साइड ये मथुरा, आगरा या फिर मुंबई साइड। तो ये तो हो गया हाईवे, और बिल्कुल सामने ये स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन। तो चलो दिखाता हूँ मेट्रो में अगर रिकॉर्डिंग करने मिला तो। यहाँ से तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर अलाउड नहीं है आई थिंक, मुझे नहीं मालूम है, बट चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, टिकट वगैरह हमने कार्ड लिया है, कार्ड के अंदर हमने पैसे डाल दिए। तो ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, और ऐसा ही दिखता है, जैसे साफ़ सफाई काफ़ी है तो आगे ही है। तो अभी ट्रेन में बैठेंगे, बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रेन चालू हो गई और हम जा रहे हैं। तो अभी है क्या, एक्चुअली बहुत नॉइस है अंदर में ना, बहुत आवाज़ें आ रही हैं। वैसे तो पता नहीं किस किस चीज़ की ट्रेन की आवाज़ें और किस किस की चीज़ की आवाज़ें आ रही है, तो मैं आपको सब कुछ साइलेंट करके दिखाऊंगा, सिर्फ मेरी आवाज़ ही आएगा आपको। यहाँ से मथुरा रोड से जाते हुए लुक तो बहुत मस्त आ रहा है। व्यू, जो व्यू है वो बहुत ही सुपर्ब लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई कैमरा लेके चल रहा है, साथ में कैमरा जा रहा है। और आउटसाइड का देख सकते हो, यहाँ पर दूर दूर तक फरीदाबाद में, मथुरा रोड के नज़दीक बसावट है, दिल्ली में फरीदाबाद में आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते हो कि कब दिल्ली आ गया और कब फरीदाबाद चला गया। मेट्रो का हाल देख सकते हो, सब लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं, A to Z सब लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं। सबको अपने अपने बिजनेस से मतलब है, आजकल ऑफिस यानी फ़ोन, तो सब अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं तुरंत 24/7। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में एक चीज़ आएगी, मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगा, या फिर एक मेट्रो कव करती है, ये देखिए यहाँ से मेट्रो घूम के जाती है, तो पूरा पता लगता है कि मेट्रो में बैठे भी हैं और मेट्रो का कव भी आप देख सकते हो किस तरह से घूम रही है। इस तरह से जाने के बाद अब यहाँ से सीधा वो दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर ना एक्चुअली कोई आ गया था तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर रहा था कि मेट्रो में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है करके, पर फिर भी मैं चुप चुप के बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ किस हद तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। इस तरफ वो मंदिर आने वाला है, मैं मंदिर के, ये देखो वो मंदिर है ना, वो बहुत सुपर था, मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ पे है, पर मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वहाँ जाने पर। मेट्रो हमारी चली गई है, हम नेहरू प्लेस स्टेशन पहुँच गए हैं। अब यहाँ से बाहर जाएंगे और बाहर का व्यू इस तरह से है, सामने बिल्डिंग है बड़ी बड़ी सी, आपको पता लग जाएगा। और आपको इस तरफ जाना है जिधर ये लोग जा रहे हैं, उस तरफ नहीं जाना है, नहीं तो आप वो मार्केट मिस कर दोगे और घूम के आना पड़ेगा। तो ये वो मार्केट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सामान रिपेयर भी होते हैं, नया भी मिलता है, किसी भी तरह का, कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपका ख़राब है या आपको ख़रीदना है या ठीक कराना है, वो यहाँ पर एनी कंडीशन में ठीक कर देते हैं, रिपेयर भी करते हैं, और उसके पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। जहाँ पर आपकी किसी भी चीज़ के पार्ट्स नहीं मिल रहे, जैसे कंप्यूटर के हाँ पता पार्ट्स। है, यहाँ है निशा और ये है मार्केट, पीछे बिल्कुल पीछे है मार्केट, वहाँ पर वहाँ पीछे तक आपको सब कुछ इसी तरह से। और यहाँ पर लोग भी सामने से आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप को कोई काम है क्या, ऐसा कुछ भी, मतलब वो भी रहते हैं, अगर आपको उनसे हेल्प लेनी है तो वो भी पर्टिकुलर दुकान पर लेकर जाते हैं जो उनकी पहचान वाले होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खुद सर्च करना है या फिर किसी गाइड से हेल्प लेनी है। यहाँ पर पुलिस भी अवेलेबल है अगर आपके साथ में कोई चीटिंग होता है कुछ भी होता है। तो जूते और वॉचेस, 100-100 रुपये की घड़ियाँ हैं, बहुत ही सस्ती चीप घड़ियाँ थी, मतलब बेसिकली कहा जाए तो स्टाइल के लिए आप ले सकते हो, कुछ दिन चले ना चले उसका कोई भरोसा नहीं है, बट बेसिकली आप स्टाइल मारने के लिए ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, जैसे जैसे आप अगर चाहो तो। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने चश्मे देखे थे, मैंने बताया था चश्मे बहुत सस्ते, 100-100 रुपये का एक चश्मा मिल जाता है, कम का भी मिलता है अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग करोगे,
तो आपको कम में भी मिल जाएगा और स्टाइल के लिए अच्छा है, मैंने पहले ही बताया। दूसरी बात, कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बट ये नहीं कह सकते कि ये कपड़े की मार्केट है। नहीं, ये नॉर्मल लोग बैठे हुए हैं जो कपड़े भी बेचते हैं, और ये मोबाइल के नए नए कवर्स, स्टैंड और रिंग लाइट, ऐसा कुछ भी यहाँ पर, मतलब सारे YouTube से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे स्टैंड हो गया, ट्राईपोड हो गया, ऐसी सारी चीज़ें भी बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारी। अब मैं जाऊँगा, मेरे जो JBL का स्पीकर है उसको ठीक कराने आया हूँ, तो वो ठीक कराने के लिए अब हम जाएंगे उसके पास में। फिर उसको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट दिखा देता हूँ आप लोगों को, मार्केट दिखाने के बाद डायरेक्टली स्पीकर ठीक कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। अब ये भाई साहब मेरे ही सामने मेरे स्पीकर की, मतलब खोल डाला है, तोड़ डाला है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कर डाला है इसके अंदर से सब कुछ। अब ये बिल्कुल बेकार सा लगने लग गया है स्पीकर, ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरा स्पीकर है क्या, मतलब इसने सारा बेधड़क बिंदास दर्द दिल, मतलब ऐसे बेदर्दी से खोल रहा है ना, मुझे डर लग रहा है ये वापस जोड़ भी पाएगा कि नहीं जोड़ पाएगा, ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर भी इसने गारंटी दी है कि अगर नहीं चला तो कल फिर लेके आना, यानी वापस से ट्रैवलिंग करना पड़ेगा और वापस से पैसे लगेंगे। पैसे बहुत ही कम लगे हैं, 250 रुपये में इसने ठीक कर दिया है। इसका हेड जैक ख़राब हो गया था, तो वो जैक बार बार अंदर की साइड घुस जाता था, तो इसने वो जैक लगा रहा है। ये काम तो सही कर रहा है, इसके हिसाब से सब कुछ चेक कर कुर के ही ठीक करके देगा, इसने बोला है 250 रुपये में। ये 300 रुपये बोल रहा था, तो मैंने 50 रुपये कम करा लिए। मैंने कहा यार कुछ पैसे तो बचे जब इतनी दूर आए हैं। जब मैंने पहली बार कराया था JBL का, यही जैक का प्रॉब्लम हुआ था, तो 500 रुपये लिए थे, वो फरीदाबाद में किया था, और उसने मेरे को तकरीबन 1 महीना लगा दिया था कि ठीक करूँगा ठीक करूँगा ठीक करूँगा करके। बहुत प्रॉब्लम की थी उसने, बाद में मैं कभी उसके पास लौट कर ही नहीं गया। और एक्चुअली यहाँ पर आज 3 साल बाद भी यही स्पीकर 250 रुपये में ठीक हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मार्जिन है। बस आपको थोड़ा सा आके इनसे टेक्निकली बात करनी होगी, इनको थोड़ा सा पटाना होगा, थोड़ा सा ऐसे बोलना होता है कि भाई यार मैंने वहाँ से ऐसे में कराया था, पहली बार मैं यहाँ आया था तो और सस्ते में हुआ था मुझे यहाँ। जब मैं स्पीकर के बारे में पूछ रहा था तो लोग बोल रहे थे 1000 रुपये लूँगा ठीक करके दे दूँगा, कोई बोल रहा था 1500 रुपये लूँगा और प्रॉपर ठीक करके दूँगा, कोई बोल रहा था 500 रुपये लूँगा ठीक करके दूँगा। तो मतलब ये आपका आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई कितने तक आप ठीक करा सकते हो, क्या आपका बजट है। कोई चीज़ बहुत ही सस्ती भी हो सकती है, वो आपको महंगी चिपका देंगे इन लोग, कोई चीज़ बहुत महंगी होगी, आप मार्केटिंग कर करके। फिर एक चीज़ और आती है कि अमेज़ोन से रेट निकाल लो, वहाँ से रेट निकालने के बाद यहाँ पर अगर आओगे, मैंने यहाँ से एक सेल्फी स्टिक ली है जो अमेज़ोन पे 1200 रुपये की है, और वो यहाँ पर थी 700 रुपये की, यानी अगर मैं उसको लेता तो वो 500 रुपये तक की पड़ जाती, तो देख रहे हो डबल, ऑलमोस्ट डबल का रेट का फ़र्क है। तो मेरा स्पीकर बन गया है, अभी हम स्पीकर को टेस्ट करेंगे, चालू करेंगे, और नहीं तो फिर कल वापस लेकर के आऊँगा। स्पीकर चार्जिंग ले रहा था, तो अब मैं आ गया हूँ बाहर। अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, दूर से ही करूँगा क्योंकि पर्सनली जाते हैं ना तो यार ये बहुत मजाक करते हैं और बहुत ही कमेंट से भी मारते हैं, पता नहीं क्या कैसे लोग हैं। अगर कोई वीडियो बनाने लग जाए तो उनको ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। तो यहाँ से इसका ये लुक ऐसे है, और मैं यहाँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कल मुझे वापस इसी के पास आना पड़ा तो मुझे याद रहना चाहिए कि मैं कहाँ से किसके पास गया था करके। तो यहाँ से ये वीडियो अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। जब मैं सेल्फी स्टिक ली है, ये सेल्फी स्टिक से कर रहा हूँ मैं, और सेल्फी स्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि फिज़िकली देख सकते हैं हम लोग, अमेज़ोन पर तो देख भी नहीं सकते हम लोग। तो जब ये मैंने सेल्फी स्टिक देखी तो मुझे पसंद आ गई, और काफ़ी लंबी है, तकरीबन 4 से 5 फीट लंबी है ये सेल्फी स्टिक, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। उसमें 2-3 फीचर्स हैं, बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि मुझे तो सिर्फ फ़ोन लटकाने के लिए चाहिए, बाकी रिकॉर्डिंग तो हम अपने आप भी कर लेंगे। हाँ, उसमें ब्लूटूथ है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, वो बाद में काम नहीं करने वाले हैं, बेफालतू का है वो, मुझे सिर्फ फ़ोन लटकाने के लिए चाहिए था। और जो मुझे पड़ी 1400 रुपये की, वो मैंने अमेज़ोन पर देखी थी तो वो थी 3500 रुपये की सेल्फी स्टिक टाइप। एक्चुअली वो ट्राईपॉड भी है, ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक है जिससे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और काफ़ी मज़बूत है। अगर आप इस पर कैमरा भी होल्ड करना चाहोगे ना तो कैमरा भी होल्ड हो जाएगा, और तकरीबन मतलब 2 किलो तक वेट ले सकता है ये, 1.5 किलो तो आराम से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगी।
आप देख सकते हो, और कितना अच्छा व्यू भी आ रहा है। मतलब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं मार्केट से, तो बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है। और पता नहीं क्यों आज हम लोग थक सी गए हैं, थोड़ी टायर्डनेस हो रही है, या तो धूप की वजह से या तो फिर यहाँ पर मास्क अलाउड है यार। एक तो ये चीज़ है, ये देखिए फ्रूट्स है, गुल्लर बोलते हैं इसको, गुल्लर। बट यहाँ इसकी हालत ख़राब है पोल्यूशन के कारण, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये गुल्लर है, बट पोल्यूशन के कारण इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, इसके फ्रूट ख़राब है। ये है नेहरू प्लेस स्टेशन, जहाँ पर हम लोग आए थे। अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, घर जाएंगे मेट्रो में वापस से। मेट्रो में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर मैं फिर भी ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर मेट्रो से आए हैं और वीडियो भी ना बनाएं तो मतलब क्या है? चुपके चुपके वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी थोड़ा ज़िद्दी टाइप हूँ। आगे कुछ नहीं होने वाला है, देखते हैं। सीधे सीधे जाके आगे बंद कर दूँगा, क्योंकि वो पुलिस वाले होते तो फ़ोन छीन लेते हैं। बट पता नहीं कोई क्या है क्या है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। आगे गए तो फिर मेट्रो का कोई सीन नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले थे, बहुत भीड़ थी। तो अब हम फरीदाबाद पहुँच चुके हैं, ये वही रोड है जहाँ पर मैंने बताया था आपको, मथुरा रोड। अब इसके बाद सवाल बनता है ये कि बजट तो काफ़ी लग गया है इसमें बनाने में, मेट्रो से जाने में, कार खरीदने में, ये सब करने में। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और चैनल ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होगा। कमेंट नहीं कर पाते हो तो लाइक करें वीडियो, शेयर कर सकते तो शेयर करें। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और आपकी सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना, मेरा चैनल ग्रोथ होते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग हो सकता है मैं वापस से कल फिर दिल्ली आऊँ, पर अब की बार मैं बाइक से आने वाला हूँ। यहाँ का हाल मैंने आपको दिखा दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल